सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के पहले दिन तो माता दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी लोगों को नवरात्रि को ढेर सारी शुभकामनाएं। और माना जाता है कि आज ही के दिन हमारा हिंदू नववर्ष भी स्टार्ट होता है, नया साल, तो नए वर्ष की भी मंगल शुभकामनाएं। अब देखिए मौसम कितना सुहाना हो जाता है, माता जी का आगमन भी हो गया आज पहले दिन। जैसे ही माता जी का आगमन होता है, मंदिरें सज जाती हैं, संवरने लगती हैं, और आप देख रहे होंगे हर मंदिर के पास चुनरी, छोटे बड़े सब के सब बिकने लगते हैं। सब लोग माता जी के भक्तगण बन जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नवरात्रि में जीव हत्या नहीं करते हैं, उनकी बात हो रही है, जो ये मानते हैं कि नवरात्रि में मांस खाने से, मीट खाने से माँ दुर्गा अप्रसन्न हो जाती हैं, वह अपना कोप बरसा सकती हैं। तो आप देखेंगे मार्केट में मीट की दुकानें भी न खुलने के बराबर रहती हैं, सब हैं, मतलब इक्का दुक्का हो सकता हो तो माँ के आने से, नवरात्रि के आने से 9 दिन जीव की हत्या ही बंद हो जाती। तो कितना अच्छा है यह त्यौहार, कितना अच्छा है 9 दिन का चलता है कि लोग जीव हत्याएं भी नहीं करते हैं, कितनों के जीव बच जाते हैं, सबके सब प्रसन्न रहते हैं। मानव तो प्रसन्न, जीव भी प्रसन्न, कोई किसी को मारता नहीं है, क्योंकि मरने से हर जीव डरता है। आप देखेंगे छोटा सा भी जीव हो, अगर उसे लगता है कि उसकी मौत आ गई है, तो वह डरने लगता है, और उसे लगता है कि उसकी मौत अभी नहीं आई है, तो नहीं डरता है। तो बात आज ये है कि जो नवरात्रि है, यह 9 दिन की होती है, और माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। तो पहले दिन, जो प्रथम दिन नवरात्रि के, माँ शैलपुत्री का पूजन होता है, मतलब शैलपुत्री के रूप में कहा गया है कि माँ का आगमन आज प्रथम दिन उन्हीं का पूजन होता है। और शैलपुत्री माँ बड़ी ही, कहा जाता है कि इनका वाहन जो होता है वह एक बैल है, और माँ के एक हाथ में कमल होता है, बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही मनोरम माँ के चेहरे पर एक शोभा विराजमान है। तो देखिए ऐसा माना गया कि जो माँ हैं ये तो माँ ही होती हैं। अब शैलपुत्री क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि यह पर्वतराज हिमालय के यहाँ जब जन्म ले लेती हैं, तो शैल, शैल मतलब क्या होता है, पर्वत, शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री, इसीलिए इनका शैलपुत्री नाम पड़ा। यह पर्वतराज हिमालय के यहाँ ही इनका जन्म होता, और जन्म कब होता है, जब प्रजापति दक्ष जो रहते हैं, प्रजापति दक्ष की पुत्री रहती है पूर्व जन्म में, अपने पहले के जन्म में। तो कुछ कहानियां पता होंगी आप लोग को कि इनके जो पिताजी थे वह इनका और इनके जो पति थे शंकर भगवान का अपमान करते हैं, कुछ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, बोलते हैं, जिससे माँ रुष्ट हो जाती हैं और वहीं पर अपने देह का त्याग कर देती हैं। न यह देह रहेगा, न हमारा तुम्हारा रिश्ता रहेगा, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ख़ास तौर से उसके मायके में उसके भाई या फिर उसके पिताजी उसकी बेइज्जती करते हैं, तो उसे कतई पसंद नहीं होता है अगर पत्नी सही हो। तो माँ को भी यही बेइज्जती सहन नहीं हुआ, क्योंकि पति बार बार, मतलब भोलेनाथ बार बार कहते हैं कि बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, और जो तुम्हारे पिता हैं ना, ये जानबूझ के हम लोग को निमंत्रण नहीं दिए हैं। तो ये भी कथा है, तो इसका मतलब ये भी है कि हम लोग के जीवन भी यही होना चाहिए, हमारे सगी संबंधी जो घनिष्ठ मित्र हैं,
अगर उनके यहाँ कोई प्रोग्राम है शुभ या अशुभ, अगर वो आपको नहीं बुलाए हैं और आपको पता है तो आप कदापि मत जाइए, क्योंकि आप जाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी और वह बेइज्जती जो होती है बड़ी असहनीय होती है, मरने से भी बुरा होता है। अनजान व्यक्ति के पास किसी और के साथ आप चले जाते हो ठीक है, क्योंकि आपको जानता नहीं है, लेकिन जाना पहचाना घनिष्ठ मित्र, खास जैसे रिश्तेदारी जो होती है, लोग कहते भी हैं कि बिना बुलाए जाए ना और बिना परोसे खाए ना। तो बिना बुलाए अपने मित्र अपने रिश्तेदारों के पास कभी नहीं जाना चाहिए, अगर उनके यहाँ कोई प्रोग्राम है और आपको नहीं निमंत्रित किया अर्थात नहीं बुलाए हैं, निमंत्रण नहीं दिए हैं, तो मत जाइए, क्योंकि कहा गया जानबूझ के आपको नहीं देते हैं, जानबूझ के नहीं बुलाते हैं कि नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएगा, और आप फिर भी पहुंच गए तब वो आपसे बात भी नहीं करेगा, हो सकता है, या बात भी करे तो इस तरह करेगा कि आपको बेइज्जती महसूस होगा। सबको तो नहीं पता रहेगा, जो नहीं बुलाया उसको पता रहेगा, और वह आपको देख के एक तरफ ही जलन सा फील उसको होने लगेगा और अगर बेइज्जती करेगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। यही माता पार्वती के साथ हुआ था, अपने पिता से जब कहती हैं तो उनका यही कहना था कि तो ये बातें हैं, तो मनुष्य को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि आप अपने परिचित के यहाँ अगर वो न निमंत्रण दे तो नहीं जाना चाहिए। ये सोचिए, माता पार्वती को उनको दुख हुआ, उनके पिताजी नहीं बुलाया और चली गई थी, तब जब वह इतना रुष्ट हुई, इतना दुखित हुई कि अपने योग विद्या के द्वारा अपने शरीर को ही भस्म कर डालती हैं अग्नि के द्वारा, कहते हैं योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म करती हैं, तब भगवान भोलेनाथ क्योंकि उनकी तो पत्नी थी तो वो प्रेम करते थे, तो इसकी वजह से काफ़ी उनको दुख हुआ और उनकी जली हुई बॉडी को लेकर तांडव मचा देते हैं। वही उनका जब जन्म होता है तो पर्वतराज हिमालय के यहाँ होता है और उनका नाम पड़ जाता है शैलपुत्री। तो नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं और उन्हीं का आज प्रथम दिन पूजन होता है। आप जानते भी होंगे कि माँ का जब आविर्भाव हुआ है तो कुछ कथाओं में आपको सुने होंगे कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था जिस पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा दिया था। देवता उसे बड़े डर भय के साथ रहने लगे थे और यह बात को वो लोग लेके पहुँचते हैं ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास और फातिमे शंकर जी के पास। सभी लोग ये बातों को जब सुनते हैं सभी लोग क्रुद्ध हो जाते हैं और कहते हैं उसी समय कुछ ऐसा होता है कि उनके शरीर से जो होता है उनके शरीर से एक आभा निकलती है और शक्तिपुंज से एक स्त्री का निर्माण होता है और सभी देवता मिलकर अपने अपने अस्त्र को उन्हें देते हैं। वही देवी महिषासुर का वध करती हैं। तो ये भी देखने को आया है कि कोई अत्याचारी कितना भी बलवान क्यों न हो, अगर कोई गलत मार्ग से चल रहा है और बहुत बलवान है फिर भी उसका अंत हो ही जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने आप पर अपने ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। रावण को आप लोग देखे ही हैं, भगवान राम जो कि एक बनवासी थे बंदर भालुओं के साथ उसका संहार कर देते हैं। तो व्यक्ति के अंदर अहंकार कदापि नहीं आना चाहिए, अगर अहंकार आया उसी समय उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि अहम की भावना ही सबसे गलत बात होती है। जिस व्यक्ति के अंदर अहम आता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं ये जो शरीर बना है पंचभूतों से और अंत में पंचभूतों में ही मिल जाना है, किसी के साथ प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, वो अमीर हो या गरीब, सब के सब, अब किसी धर्म में कोई गाड़ देता है कोई जला देता है, लेकिन यह शरीर अंत में राख बन जाती है, मतलब मिट्टी बन जाती है, जहाँ से उत्पन्न हुई वहीं मिल जाती है। तो किस चीज़ का घमंड, अगर देखा जाए तो लोग कहते भी हैं समाज में है तो समाज कल्याण कार्य जरूर करना चाहिए, और नवरात्रि का प्रथम दिवस है तो आप लोग
माता की जयकारा। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।